मध्य प्रदेश की बड़वा स्थित जय स्तंभ चौराहे पर हिंदू जागरण मंच द्वारा नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी को पश्चिम बंगाल में हुई 3 निर्गम हत्या के विरोध में ज्ञापन देकर ममता बनर्जी का पुतला भी जलाया गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए जे समीर महुले ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के रहते हुए मुर्शिदाबाद में हिंदू संगठन से जुड़ी एक शिक्षिका प्रकाश पाल उनकी गर्भवती पत्नी ब्यूटी सहित 8 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में ही ज्ञापन दिया जा रहा है और आरोपियों पर कड़ी सजा की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल में जो पाल परिवार की हत्या हुई है, इस हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा हो और वहां पर राष्ट्रपति शासन चालू। पश्चिम बंगाल में पाल परिवार प्रकाश जी पाल जो शिक्षक थे उनकी दुर्गा निर्ममता से हत्या की गई, साथ ही उनकी गर्भवती पत्नी एवं उनके मासूम बालक 6 वर्षीय बालक की भी हत्या की गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल में शुरू से हिंदू धर्मावलंबियों की हत्या होती रही है, उन पर अत्याचार होते रहे हैं। और इस बार जो हत्या हुई है, जो परिवार के घर में घुसकर धारदार हथियारों से हत्या की है, वो बहुत ही निर्ममता से की गई है, नृशंस हत्या है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।